शिशु रोग एवं स्त्री प्रसूति रोग से संबंधित संपूर्ण स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके शहर खंडवा में पिछले 8 सालों से गुर्जर हॉस्पिटल नौचंडी मंदिर के पास खंडवा। बच्चों के सब टीके लगाए जाते हैं। स्त्री व प्रसूति रोगों हेतु बिना टाके वाली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध। आवश्यकता पड़ने पर दिए नंबरों पर। मध्य प्रदेश के खंडवा में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। महामारी विशेषज्ञ योगेश शर्मा ने बताया कि आज 9 जनवरी को कुल 37 पॉजिटिव केस आए हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज परिसर के छात्रावास के 6 यानी आप सोच सकते हैं मेडिकल स्टूडेंट भी अब कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। MIG किशोर नगर का 1 और GRP थाने के 1 और पुलिस वाले पॉजिटिव आए हैं। शिव रेजिडेंसी का 1, टपालचाल का 1, कावेरी विहार का 1, पदम नगर के 3, मेन हॉस्पिटल के 2 यानी मेन हॉस्पिटल के स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसी प्रकार कुमार बेड़ा का 1, पंजाब कॉलोनी का 1, बॉम्बे बाजार का 1, कुंडलेश्वर वार्ड में भी 1 पॉजिटिव आया है। इसी प्रकार लक्ष्मी नगर कॉलोनी में 1 आया है, डुलहार गांव में भी 1 पॉजिटिव निकल कर आया है। मेडिकल कॉलेज में तो लगातार कोरोना केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और आज भी 4 कोरोना पॉजिटिव मेडिकल कॉलेज से निकले हैं। माता चौक का भी 1 पॉजिटिव आया है, सराफा बाजार के 2 आए हैं, जावर गांव का 1 आया है, रामनगर में भी 1 पॉजिटिव निकला है और इसी प्रकार तुलसी स्टेट कॉलोनी में 1 पॉजिटिव निकला है। पड़ावा भी नहीं बचा, उसमें भी 2 पॉजिटिव आए हैं और ओमकारेश्वर के रविशंकर आश्रम, श्री श्री जो रविशंकर आश्रम है वहाँ पर भी 3 पॉजिटिव आए हैं। आश्रम के कुछ लोग भी कोरोना पॉजिटिव हैं और वह सर्दी खांसी बुखार से जूझ रहे हैं। और अच्छी बात आज ये है कि 10 लोग रिकवर होकर आज इस बीमारी से मुक्ति भी पा गए हैं। तो इस तरीके से अब सेंचुरी पार कर ली है पिछले 20-25 दिन में खंडवा में कोरोना ने। तो अब हमें करना क्या है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। पुराना जो हमारा तरीका था जिसका पालन करने करके हमने कोरोना से खंडवा को बाय बाय कहा था और वापस वो समय आएगा, आप निश्चिंत रहें, बस अपना ध्यान रखें और मास्क पहनना ना भूलें। मास्क के कई फायदे हैं, कोरोना से आपको मुक्ति मिलेगी। इन दिनों क्योंकि केस लगातार बढ़ रहे हैं तो मार्केट में पुलिस प्रशासन की टीम चौक चौराहे पर खड़ी है और चालान बना रही है, तो ऐसे में 5 रुपये और 10 रुपये का मास्क ना लगाने की सज़ा आपको 100, 200, 500 रुपये के रूप में देनी पड़ सकती है। और कोरोना से तो बचाव होता ही है, तो ऐसे में मास्क आप ज़रूर लेकर चलें, मास्क लगाने की प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको कोरोना से मुक्ति और चालान से मुक्ति भी मिले। और इसके अलावा आप भीड़ भाड़ में जाने से बचें और इस समय क्योंकि कोरोना ने धीरे धीरे गांव और शहर को तेज़ी से अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया, इसलिए अपना विशेष तौर पर ध्यान रखें और जितना हो सके इस बीमारी से बचें।